अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की 2000 साल से तहजीबी रवाबित हैं, सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्ट्स हैं, उनको हमें देखना होगा। अफगानिस्तान इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। जी, पाकिस्तान अमेरिका को अफगानिस्तान तक रसाई के लिए हवाई रास्ता और ज़मीनी रास्ता दोनों फराहम करता रहेगा। और पाकिस्तान में अमरीकी एयरबेस पर भी बड़ी, आप सुन रहे होंगे कि चाहे मगोइयाँ शुरू हो गई हैं, मगर जो दफ्तर खारिजा हैं और वज़ीर खारजा ने इसकी तरदीद कर दी है। अब अफगान तालिबान के बगैर कोई नाम ले, मतलब बगैर कोई नाम लिए अफगानिस्तान के तमाम जो पड़ोसी ममालिक हैं उनको बाकायदा इंतबाह करते हुए कहा है कि जी, अगर अमरीका को एयरबेस दी गई या ऐसी कोई मदद फराहम की गई तो जो नतायज हैं, रिजल्ट्स हैं, वो अच्छे नहीं होंगे। अब कुछ माहरीन इसे पाकिस्तान के लिए बकायदा वार्निंग कह रहे हैं कि जी वार्निंग है, और कुछ इस बयान को महज एक कह रहे हैं कि जी डिफेंसिव, ये इससे ज़्यादा नहीं है कुछ। अब ये पूरी सिचुएशन जो है, इस पे बात करने के लिए मेरे साथ एक बहुत मौजूद मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। साबिक सेक्रेटरी दाखिला, साबिक सफ़ीर पाकिस्तान बराए अफगानिस्तान रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। मोहम्मद साहब, अमरीका को एयरबेस देने और इस पर जो अफगान तालिबान की वार्निंग, आपके ख्याल में अफगान तालिबान का ये जो बयान है, क्या ये वाकई वार्निंग है या फिर इसे एक आम रिवायती बयान समझा जाए, क्या ये पाकिस्तान के लिए था, या आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, इसका पस मंजर ये है कि पहले तो अफगान तालिबान में पाकिस्तान के खिलाफ जज्बात पाए जाते हैं, ग्रीवेंसेस उनके बहुत ज्यादा हैं और इसकी एक पूरी तारीख है जी। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को उनकी जरूरत है और उनको पाकिस्तान की जरूरत है। जो इस वक्त बेसिस की बात हो रही है उसका पस मंजर कुछ यूं है कि अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि निकलने से पहले कोई ऐसा एग्रीमेंट हो जाए कि वहाँ पे एक ऐसी हुकूमत बन जाए जो अमन डिलीवर कर सके और जो मुल्क जो है वो टूट फूट से बच जाए ताकि उनकी बदनामी ना हो। अब इसके लिए एक तो वो इंट्रा अफगान डायलॉग है, लेकिन अगर वो किसी वजह से कोई प्रोग्रेस उस पर नहीं होती और वो सक्सेसफुल नहीं होता, उसका आउटकम नहीं निकलता, तो उसके बाद फोर्सेस ने तो 11 सितंबर तक निकलना है। जब फोर्सेस निकल जाएंगी तो अमेरिका को यह डर है कि हो सकता है कि फिर अफगान फौज से डिजर्शन डिफेक्शन शुरू हो जाए और वो इतनी ज्यादा फैल जाए कि तालिबान काबुल पर चढ़ाई करने लगे। तो अगर तालिबान काबुल पे एडवांस करते हैं तो उनके लिए एक डिटेरेंट ये हो सकता है कि अमेरिका उनको ये समझाने की कोशिश करे कि अगर आप काबुल पे चढ़ाई करेंगे, काबुल पे एडवांस करेंगे, तो हम हुकूमत, काबुल की हुकूमत और काबुल की जो फौज है उसकी मदद के लिए हम हाजिर होंगे और हम जो काउंटर टेररिज्म का जो रोल है वो हम अदा करेंगे, लिहाजा आप अपने इरादों से बाज रहें। तो ये इस किस्म की बातें हो रही हैं। ये नहीं कि पाकिस्तान से अड्डे मुस्तकिल तौर पर मांगे जा रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान से कुछ लॉजिस्टिक सपोर्ट इसलिए मांगी जा रही है कि अगर किसी इमरजेंसी में इसकी ज़रूरत हो तो फिर पाकिस्तान के रास्ते फौरी तौर पे अमरीकी फौज जो है वो बगराम एयरबेस पे या किसी जगह उतर जाए और तालिबान का मुकाबला करे। इसकी नियत चंद दिनों होगी या चंद हफ्तों तक होगी, लेकिन इसके इसमें खतरात हैं। खतरात इसमें यह हैं कि एक तो तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी इतनी बढ़ जाएगी कि दुश्मनी तक पहुँच जाएगी, और दूसरी बात यह है कि ये फिर अमेरिकन फोर्सेस काउंटर इंसर्जेंसी वाली कब तक अफगानिस्तान में रहेंगे और कब तक एक ऐसी हुकूमत का दिफा करते रहेंगे जो अपनी दिफा खुद नहीं कर सकती, बावजूद इसके कि 20 साल से उनकी तरबियत हो रही है, उन पे इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद अगर वो रैगटैग तालिबान जो कि न उनके पास ट्रेनिंग है न कुछ उनके पास वसाइल हैं, जो कि वॉलंटियर्स हैं, देहात के लोग हैं, अगर उनका मुकाबला अफगानिस्तान की जो 3,50,000 फौज है वो नहीं कर सकती, तो आया इन हालात में अमेरिका को बदस्तूर एक ऐसी हुकूमत का साथ देना चाहिए जिसकी रिठे न हो,
जिसमें करप्शन आम हो, जिसमें के ओपीएम पैदावार 7000 टन तक पहुंच गई हो, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट 60% हो, जिसमें के लोग बाहर अफगानिस्तान से जाने की कोशिश कर रहे हों, जिन्होंने अमन डिलीवर नहीं किया, जिन्होंने कोई तरक्की डिलीवर कुछ भी नहीं किया, तो आया इन हालात में अमेरिका को इस हुकूमत के साथ मिलकर फिर तालिबान का मुकाबला करना चाहिए? एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाएगी, एक नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, इसमें पाकिस्तान को भी नुकसान होगा और अफगानिस्तान का जो नुकसान है वो तो मेरे ख्याल में स्पिल ओवर होगा उसका, जो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो भी उसकी इज्जत में आएगा, जो ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो भी इसकी इज्जत में आएंगे, और जो सेंट्रल एशिया के पाकिस्तान के साथ जो रवाबित होने वाले हैं, तुर्कमानिस्तान गैस पाइपलाइन और ताजिकिस्तान से जो बिजली वगैरह के मंसूबे हैं वो सब जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। लिहाजा अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी से जितना फ़ायदा पाकिस्तान को पहुंचेगा किसी और को नहीं, और अफगानिस्तान की इंस्टेबिलिटी से जितना नुकसान पाकिस्तान का होगा वो किसी और का नहीं होगा। ये लेसन है जो हमें समझना चाहिए और ऐसी बातों से हमें इत्तेनाब करना चाहिए जिनके इतने खतरनाक नतायज निकल सकते हों। ठीक है, ठीक है। अच्छा रुस्तम साहब, ये जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुक आते हैं, इनमें हमेशा से हमने देखा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को बाकायदा इस्तेमाल किया, चाहे सोवियत अफगान जंग हो या फिर वॉर ऑन टेरर हो, और ये अब अमन जो मुज़ाकरात हैं, इस बार भी अमेरिका आपको लगता है कि पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाह रहा है, या फिर अगर मैं कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाएगा तो गलत नहीं होगा, आपको क्या लगता है? बिल्कुल इस्तेमाल करता रहा है और इस्तेमाल करने का इरादा रखता है, लेकिन ये पाकिस्तानी क़यादत को सोचना चाहिए कि इसमें हमारे लिए कुछ भलाई भी है कुछ नहीं है। देखिए, अमेरिका और हिंदुस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, तो किसी सूरत में अमेरिका हिंदुस्तान के मफादात को बालाए ताक रख के कोई काम नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान के मफादात को उन्होंने कई बार बालाए ताक रख के अपनी पॉलिसी बनाई है, तो ये अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं इनमें डेप्थ नहीं है, ये ट्रांजैक्शंस हैं, ये कभी उनको हमारी ज़रूरत, कभी वो हमको उनकी ज़रूरत, तो ये ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, इसमें कोई गहराई नहीं है, इसमें कोई मोटिव ऐसे नहीं है कि ये जैसे हमारे चाइना के साथ ताल्लुकात हैं या किसी और के साथ, वो उसमें डेप्थ नहीं है, वो ये सिर्फ हालात पे डिपेंड करता है, कभी हालात उनको सूट करते हैं, कभी हमें सूट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान वाले जो हैं वो बाज़ औक़ात इन बातों को समझने की कोशिश नहीं करते, वो कहते हैं कि अमेरिका से भी ताल्लुकात रहें, चीन के साथ भी ताल्लुकात रहें, और अफगानिस्तान के मामले में हम जो है वो अमेरिका की बात माने, चाहे कि तालिबान हमसे नाराज़ हों, तालिबान वहाँ पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट ग्रुप है, एक फैक्शन है, एक पार्टी है, उनको नाराज़ करके जो इस वक्त वो तकरीबन अफगानिस्तान के आधे हिस्से पे काबिज हैं, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के मफाद का सौदा नहीं होगा। ठीक है। अच्छा मोहम्मद साहब, जैसे कि आपने इंडिया के हवाले से बात की, अब अमेरिका के इस वक्त भारत से बहुत बेहतरीन ताल्लुकात हैं, मतलब बेहतरीन ताल्लुकात हैं, तो फिर उन्हें क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता, या फिर हम ये समझ सकते हैं कि भारत बड़ा स्मार्ट है इस मामले में कि वो खुद को यूज़ या इस्तेमाल नहीं होने देता? भारत अपने आप को वहाँ पे इदारे हैं, यहाँ पे अफराद हैं, वहाँ पे इदारे हैं, इदारों में ये बात होती है कि हर चीज़ को जांचा जाता है, उनके मुख्तलिफ डायमेंशन पे एस्पेक्ट्स पे बहस होती है, फिर देखा जाता है कि बेहतरीन रास्ता कौन सा है। तो एक तो उनके ताल्लुकात हैं, दूसरी बात यह है कि चूंकि हिंदुस्तान का कोई बॉर्डर वगैरह अफगानिस्तान के साथ नहीं है, इस अगरचे वो एक रीजनल पावर है, अफगानिस्तान में उनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, और वो जो सेंट्रल एशिया के जो हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज हैं वो ले जाना चाहते हैं, इम्पोर्ट करना चाहते हैं वाय अफगानिस्तान, लेकिन इस वक्त वो अपने आप को इस कशीदगी से दूर रखना चाहते हैं क्योंकि उनको इलम नहीं है कि कल किसकी हुकूमत होगी। मैं आपको बता दूं कि जिसकी भी हुकूमत होगी, चाहे तालिबान की हुकूमत हो, वो हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रखेंगे। उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान को इमदाद की ज़रूरत है, अगर हिंदुस्तान उनको इमदाद दे तो इस पर उसूलन किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। हाँ, पाकिस्तान का ये मुतालबा ज़रूर दुरुस्त है कि अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दिया जाए, लेकिन इसके बाद अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के 2000 साल से तहजीबी रवाबित हैं, सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्ट्स हैं, उनको हमें देखना होगा। अफगानिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को हम डिक्टेट नहीं कर सकते कि आप उस मुल्क से ये ताल्लुक रखें, उस मुल्क से ये ताल्लुकात रखें, ये अफगानों का काम है, अफगानों को करने दें।
तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों रीज़न, पाकिस्तान किस तरीके से झूठ बोल रहा है अपनी आवाम से और किस तरीके से अपनी आवाम को घुमाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान हमें कंटिन्यू वही सपोर्ट देगा जो हमें देता आ रहा है, अपनी स्पेस, अपना जो भी ज़मीन है वो अफ़गानिस्तान में तालिबान के ख़िलाफ़ यूज़ करने के लिए देगा। मतलब 2001 में कुछ इनका एग्रीमेंट या डील वगैरह हुई थी, वो कंटिन्यू रहेगी। तो गाइज़ इससे बचने के लिए पाकिस्तान अपनी पार्लियामेंट में विदेश मंत्री के थ्रू ऐसा बयान दिलवाता है, ऐसा प्रूव करना चाहता है कि जैसे कि वो कोई भी मतलब अमेरिका को स्पेस देने वाला नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि ये तो पुराना एग्रीमेंट है, लेकिन ये न्यूज़ जब से वायरल हुई है तब से पाकिस्तान की एम्बेसियां हैं जैसे कि कतर में और इंग्लैंड में, उसके खिलाफ अफ़गानिस्तान के लोग काफ़ी भड़क गए हैं, उसमें पथराव कर रहे हैं, उसमें पानी से भरी बोतलें फेंक रहे हैं। दोस्तों अब देखते हैं आने वाली सिचुएशन होती क्या है। आपको भी पता है कि पाकिस्तान में अमेरिका अगर अड्डा लेना चाहेगा तो वो लेकर ही रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। और अमेरिका को भी शायद पता है कि पाकिस्तान की कमज़ोर नस क्या है, पाकिस्तान को शायद वो ब्लैकलिस्ट से निकलवा दे, पाकिस्तान के जो कर्जे वर्जे हैं उसमें कुछ कमियां आ जाएं, पाकिस्तान को बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। और चीन के साथ रहते रहते पाकिस्तान को ऐसे कुछ फ़ायदे होने वाले हैं नहीं, लेकिन पाकिस्तान सोच रहा है कि हिंदुस्तान की तरह डिप्लोमेसी करी जाए, जैसे हिंदुस्तान रूस और अमेरिका दोनों के साथ बराबर के रिश्ते बनाकर रखता है वैसा ही कुछ हम भी कर लें। हालाँकि आपको भी पता है कि पाकिस्तान बहुत कच्चा खिलाड़ी है और इस चीज़ में वो सैंडविच बनेगा, और सैंडविच बनेगा तो हमें तो मज़ा आएगा और हम चाहते हैं कि ये मज़ा आप भी देखें। तो दोस्तों आपको पता है कि आने वाले समय में सिचुएशन और भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि बहुत जल्द शायद मतलब सितंबर 11 डेट दी गई है कि उससे पहले अफ़गानिस्तान से फ़ौजें निकल जाएंगी अमेरिका की, लेकिन वो पाकिस्तान में अड्डे रहेंगे और तालिबान पर स्ट्राइक वगैरह जब उनका मूड आएगा तब वो करते रहेंगे। तो अब देखते हैं, इंटरेस्टिंग रहेगा मामला। यहाँ पर आप देख रहे थे फिज़ा खान के साथ जो बुज़ुर्ग थे वो काफ़ी मतलब मुझे सेंसिबल टाइप के बंदे समझ में आए, जो कमेंट उनको हिंदुस्तान को लेकर थे, जैसे कि हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान के बहुत पुराने रिश्ते हैं, 2000 साल पुराने रिश्ते हैं। तो मतलब वो तो ये कहना भूल ही गए कि 2000 साल पहले हिंदुस्तान का एरिया तो सीधा अफ़गानिस्तान की बॉर्डर से लगता था, इनडायरेक्टली उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती की है। और आपको भी पता होगा दोस्तों भारत और अफ़गानिस्तान के क्या रिश्ते हैं। भारत के अगर 2000 साल पुरानी हिस्ट्री में आप जाएंगे तो अफ़गानिस्तान भारत का हिस्सा रहा है, आपको भी पता है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो भारत की सरहदें जो पोरस बॉर्डर थी वो आपको भी पता है कहाँ पर है, तो ये चीज़ें तो मैं बताने वाला नहीं हूँ। तो गाइज ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें अपने सुझाव दें हम अपने वीडियो में क्या सुधार करें।